स्टोरी हैं, बड़ी अजीब अजीब कहानियाँ हैं। जनाब सामने ये जो बिल्कुल एक राउंड अबाउट है, इस राउंड अबाउट के ऊपर एक साइकिल है और इस साइकिल के बारे में, इसको बेसिकली यहाँ जद्दा का बड़ा मशहूर राउंड अबाउट है, इसको कहते हैं साइकिल चौक। और इस साइकिल के बारे में बड़ी अजीब अजीब स्टोरियाँ हैं, बड़ी अजीब अजीब कहानियाँ हैं। कई लोग इसकी अलग कहानी बताते हैं, कोई इसको बाब आदम के वक्त की साइकिल बोलते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बहरहाल एक मोनूमेंट है और मैं इसको तकरीबन, मैं खुद भी इसको कई सालों से देख रहा हूँ यहाँ पे, और लोगों ने बड़े बड़े मजाक किए हुए हैं इसके ऊपर। अपने कोई नए जब कोई परदेसी यहाँ पे आता है तो उसको लाकर यहाँ पे लोगों ने जो है वो दो रकत नफले तक पढ़वाई थी। तो ये तक कहानियाँ चलती हैं कि ये बड़ी तबरुक वाली जगह है और ऐसा है और वैसा है, मतलब एक तफरी वाले स्टाइल में, किसी किस्म की वो नहीं, जस्ट एक जिस तरह से एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो नया बंदा आता है तो कैसे उसकी रैगिंग होती है, उस सेंस के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। We'll be right back.
जनाब ये जो एक ब्रिज है, ब्रिज का जो शेप है वो एच शेप के अंदर है, और इसको जो है वो मुरब्बा कुबरी भी कहा जाता है। मुरब्बा बोलते हैं वायर शेप को, या इस तरह से कहते हैं एक मुरब्बा सा बन जाता है जहाँ पे चकोर इसके अंदर, क्योंकि चार रास्ते निकलते हैं तो मुरब्बा इन्होंने इसका नाम रख दिया है। और कुबरी बोलते हैं ब्रिज को अरबिक के अंदर, तो ये मुरब्बा कुबरी के नाम से भी मशहूर है ये जगह। और एच कुबरी भी कहते हैं, क्योंकि अगर इसको ऊपर से ड्रोन शॉट लिया जाए इसके अगर, तो ये एच शेप के अंदर बनता है। और इसको आप हैश भी कह सकते हैं, एच भी कह सकते हैं, स्टेप टेस्ट का जो है ना वो शेप आता है। एनी हाउ ये एक, और इस ब्रिज के ऊपर सेंटर में बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है, जिससे जो है वो चारों तरफ का ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल होता है। और ये जो ब्रिज बना हुआ है ये मदीना रोड पे बना हुआ है, ये जो मेन रोड है जिद्दा की, मदीना रोड का नाम दिया गया है। तकरीबन तमाम ऑफिसेज और सारे सब चीज़ें जो हैं वो आपको यहीं पर मिलेंगी। और इत्तेफाक की बात है कि ये सिग्नल इतनी देर तक खुला हुआ मिल गया मुझे। अमूमन ये होता है कि 30 सेकंड्स का इसका टाइम होता है, 30 सेकंड्स के बाद जो है ये ऑफ हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एंड रेगुलेशन को भी फॉलो नहीं कर सकता क्या? इस गाड़ी के अंदर इंडिकेटर नहीं था क्या? ये इंडिकेटर नहीं दे सकता था? लेकिन टॉपिक की नहीं होती कि इंडिकेटर्स वगैरह को जो है यूटिलाइज कर लें, इसको यूज कर लें। आज हमारी ट्रेनिंग का जो है वो लास्ट सेशन है यहाँ पर, तो आज ट्रेनिंग हमारी फिनिश हो जाएगी। उसके बाद इंशाल्लाह ताला वापसी का सफ़र होगा मदीना की तरफ। अल्लाह ताला खैर वाफियत के साथ हमें फिर वापस मदीना पहुँचाए इंशाल्लाह।